अच्छा जी, हम मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी पढ़ रहे थे और इसमें दो चीज़ें मैं आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दी हैं कि क्यों हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी होती है और क्यों हमने कहा रीपरफ्यूजन की वजह से इंजरी फर्दर वर्सन होती है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है और इसकी वजह से क्या होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली ये है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो इंजर्ड सेल है वहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल होने का मतलब है कि इनके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबके साथ रिएक्ट करती हैं और उनके न्यूक्लिक एसिड को, लिपिड को और प्रोटीन को अटैक करती हैं और सेल को फर्दर इंजर्ड करती हैं, ठीक है, उनकी फर्दर इंजरी कॉज करती हैं। अब मैं आपको बस यहाँ पे गिनी चुनी बातें कराऊंगी और आपने सिर्फ यही याद करनी है, इसमें आपका सारे का सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ना, ये बनती कब है, ठीक है, ये कब बनती हैं और कहाँ बनती हैं। तो आपने बताना है कि ये नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया बनती हैं, ठीक है। नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान भी ये बन जाती हैं। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी ड्यू टू इंजरी, तो इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे ल्यूकोसाइट्स जाते हैं, तो उन ल्यूकोसाइट से भी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। देन ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन पेरोक्सिसोम भी ये प्रोड्यूस हो जाती हैं, और अगर कहीं पे भी टिश्यू डैमेज होगा और वहां पे वही इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी होगी तो उसकी वजह से भी ये प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब इनको बनाता कौन है, हु कौन बनाता है इनको, कहां से ये बनती हैं। एक तो ये ल्यूकोसाइट से बनती हैं, ठीक है, फैगोसाइटोटिक सेल से। दूसरी बात है ये नॉन फैगोसाइटोटिक सेल से भी बन सकती हैं, स्पेशली तब जब माइटोकॉन्ड्रिया काम करने के लिए एबल नहीं होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये बन जाएंगी। किस जगह पे बन रही होती हैं, वेयर, कहाँ बन रही होती हैं। एक मैंने आपको बताया ये कहाँ बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन के पेरोक्सिसोम में बनती हैं। देन आपने याद रखना है कि ये साइटोप्लाज्म में भी बनती हैं जब कोई इंजरियस स्टिमुलस होता है, जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बनती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कहाँ बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, ये बात हमने कर ली। अब ये है कि इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हमें फ़ायदा भी देती हैं, और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ये नुकसान भी देती हैं। ये क्या फ़ायदा देती हैं, ये बहुत सारे माइक्रोब्स की किलिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स को कैसे किल करती हैं, इसको हमने बायोकेमिस्ट्री में एक साइकिल बढ़ा था कि जब एक सेल है और उसके अंदर माइक्रोब आ गया है तो उस सेल के अंदर क्या बनेगा, ऑक्सीजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा H2O2 में, और ये H2O2 कन्वर्ट हो जाता है हाइपोक्लोराइड में। ये जो हाइपोक्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये फटता है और इस सेल के अंदर जो भी माइक्रोब पड़ा होगा वो भी इसके जहर से मर जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रास्टिक है कि ये फट जाता है और इसकी वजह से जो माइक्रोब सेल के अंदर है वो भी मर जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है हमें कि ये माइक्रोब्स की किलिंग में भी हेल्प करता है। दूसरी बात यह है कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने के लिए और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसे हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है। तो नेगेटिव ये इसलिए है, एक तो ये क्या करता है, लिपिड की परऑक्सीडेशन कर देता है, लिपिड की परऑक्सीडेशन कर देता है। लिपिड की परऑक्सीडेशन जब ये करता है तो ये मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को। अभी मैं आपको बुक से इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो ये प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग कराएगा और प्रोटीन को मिसफोल्डेड कर देगा, और जब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगी तो आपको पता है वो म्यूटेशन करेंगी, और म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तीसरी बात यह है कि ये डीएनए में भी म्यूटेशन कॉज करता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को अटैक करता है, बहुत रिएक्टिव है, तो डीएनए में म्यूटेशन करके भी ये क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। और इसी तरह ये आरएनए को भी डैमेज करता है, और आरएनए को जब ये डैमेज करता है तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास इंपेयर्ड हो जाती है, और प्रोटीन सिंथेसिस जब इंपेयर्ड होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज और एजिंग का प्रोसेस भी इनहेंस हो जाता है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहां बनती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, टिश्यू डैमेज। कौन बनाता है इनको, ल्यूकोसाइटिक सेल्स भी, नॉन ल्यूकोसाइटिक सेल भी। सेल के अंदर कहाँ बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या पेरोक्सिसोम में। इनका फ़ायदा ये है कि ये माइक्रोब की किलिंग और इम्यून सिस्टम की सिग्नलिंग में हमें हेल्प करती हैं, और इनका नुकसान ये है कि ये लिपिड परऑक्सीडेशन करके मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग करके म्यूटेटेड प्रोटीन्स बना देती हैं, डीएनए और आरएनए को भी डैमेज करती हैं। तो फिर इसका हल क्या है, हल ये है कि नॉर्मली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बैलेंस में रखते हैं। जब ये प्रोड्यूस होती हैं, अपना काम कर लेती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट जिसमें हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लूटाथायोन, वो इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। जब ये एबनॉर्मली ज्यादा होंगी तो
तो फिर मसले होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि इनको ऑक्सीडाइज कौन करता है, इनको कुछ एंजाइम्स भी ऑक्सीडाइज करते हैं और कुछ अदर चीज़ें भी करती हैं। कौन से एंजाइम्स इनको करते हैं? एक तो हमारे पास ग्लूटाथायोन जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज करता है, इसकी मैं अभी बुक से डायग्राम दिखाती हूँ, कैटालेज भी करता है और पेरोक्सीडेजेस भी इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। कुछ अदर फैक्टर में हमारे पास बुक में लिखा हुआ है कि विटामिन ए सी ई बी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ को फैक्टर्स भी करते हैं जैसे एनएडी हो गया, या फिर हॉर्मोन्स भी करते हैं जैसे कि मेलानिन हो गया। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के बारे में हमने सारी बात पढ़ी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बुक से बताती हूँ कि बहुत सारे रिएक्शन के दौरान अगर आप वो भी कर लेते हो तो वो भी काफ़ी है, और ये इस तरह से याद कर लेते हो तो ये भी मोर देन इनफ है। वहाँ पे बताया हुआ है कि बहुत सारे रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होता है? H2O2 में। इस H2O2 को मेटाबोलाइज कर देता है कौन? ग्लूटाथायोन या डिसम्यूटेज कर देगा इसको, मेटाबोलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा? H2O में, जो कि नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। लेकिन अगर ये मेटाबोलाइज नहीं होता, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल्स में, और फ्री रेडिकल्स में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये क्या नुकसान देगा हमें? लिपिड परऑक्सीडेशन करेगा, DNA डैमेज करेगा, RNA डैमेज करेगा, प्रोटीन डैमेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाली डायग्राम है कि हमारे पास जब भी कोई रेडिएशन टॉक्सिक या रीपरफ्यूजन हुई तो ये सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन गया, ठीक है। जब ये बन गया तो इसको या तो वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी कन्वर्ट होने के बाद डिसम्यूटेज या परऑक्सीडेज या ग्लूटाथायोन के प्रेजेंस में ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव होगा और ये वाले एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल लिपिड परऑक्सीडेशन के थ्रू मेम्ब्रेन डैमेज करेगा, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के थ्रू फोल्डिंग और म्यूटेशन करेगा, इसी तरह DNA और RNA को भी डैमेज करके म्यूटेशन कॉज करेगा। सो ये डायग्राम कर ले, जो चीज़ें मैंने लिखवा दी हैं तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के बाद हमारे पास बात आ जाती है टॉक्सन्स की, कि कौन कौन से ऐसे टॉक्सन्स हैं जो इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो उसने लिखा हुआ है कि टॉक्सिन्स जो हैं आपको पता है एयर प्लूटेंट्स में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा एंडोजीनियस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनियस भी हो सकता है। हमने कोई ड्रग ली और फ़ायदे के लिए लिया लेकिन अंदर जाके वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गई है और आपको बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट देगी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो एयर प्लूटेंट या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। अब वो कहता है कि ये जो टॉक्सिन है इसको दो टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक तो डायरेक्ट टॉक्सिन है जो खुद डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे और एक इनडायरेक्ट टॉक्सिन है। अब इन दोनों टॉक्सिन का मैं आपको मेटाबॉलिज्म बताती हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट टॉक्सिन में वो ये कहता है कि ये ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो सेल के जाके किसी भी कंपोनेंट के साथ बाउंड करते हैं और उसमें एबनॉर्मैलिटीज कॉज करते हैं। इसमें उसने एग्जाम्पल दी हुई है मर्क्यूरी पॉइजनिंग की, मर्क्यूरी क्लोराइड पॉइजनिंग की। उसमें कहता है मर्क्यूरी क्लोराइड पॉइजनिंग में ये होता है कि जो मर्क्यूरी है वो जाता है और हमारी जो मेम्ब्रेन है इसका जो सल्फर हाइड्राइल ग्रुप है उसके साथ मर्करी बाइंड कर देता है, और जब उसके साथ बाइंड करता है तो एटीपी की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक होगी तो आगे जो सारी चीज होनी है वो आपको पता है। सो डायरेक्ट टॉक्सिन्स में हमने क्या कहा कि मर्क्यूरी क्लोराइड पॉइजनिंग के अंदर जो मर्क्यूरी है वो क्या करेगा, ये बाइंड करेगा किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप के साथ, और सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप के साथ बाइंड करके एटीपी की सिंथेसिस ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक करेगा तो हमें पता है कि आगे वही एटीपी नहीं है तो स्वेलिंग है, वाटर इन्फ्लक्स होगा, ब्लबिंग होगी, और जो सारी चीज है वो हमें पता है। इसी तरह हमारे पास इनडायरेक्ट टॉक्सिन्स होते हैं। इनडायरेक्ट टॉक्सिन्स ये कि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे डायरेक्टली तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक सेल के अंदर जाएंगे जब तो तब तो कोई मसला नहीं है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, लेकिन सेल के अंदर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फिर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल में वो बताता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि पहले क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता था और अब इसके यूज को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये एक लिवर के सेल में जाएगा, फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट में जाएगा, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये ईआर को सबसे ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करेगा, स्वेलिंग होगी, राइबोसोम की डिसोसिएशन होगी और यूं एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो टेट्राक्लोराइड है ये अंदर जाके क्या करता है, एपोप्रोटीन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है। एपोप्रोटीन नहीं बनते तो टैग जो है वो उनकी सिक्रीशंस जो है वो नहीं होगी और टैग एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और टैग एक्यूमुलेट होगा तो फैटी लिवर प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग में फैटी लिवर की प्रोडक्शन, फैटी लिवर क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने के बाद एपोलाइपोप्रोटीन्स को नहीं बनने देता जो कि टैग को सिक्रीट कराते थे, और यूं टैग एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये हमारे पास टॉक्सिन्स का मैकेनिज्म है कि किस तरह से टॉक्सिन्स इंजरी कॉज कर रहे हैं। टॉक्सिन्स के बाद वो बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम स्ट्रेस की, तो ये बहुत आसान सी बात है। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉर्मली क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है, लेकिन अगर हमारे पास सेल में इंजरी होगी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे और प्रोटीन बनाओ 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 ताकि कंपनसेशन कर सके सेल जो है वो उसको प्रोटीन की मदद से कंपनसेट कर सके, सेल की इंटीग्रिटी लॉस ना हो। अब जब इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये बेचारा जल्दी जल्दी में क्या करना शुरू कर देगा, कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से वहां पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं इनको दो तरीकों से मैनेज किया जाता है। अगर तो स्ट्रेस जो है वो माइल्ड था तो फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन बनने के रिस्पांस में पता है क्या होगा, चेपरॉन की सिंथेसिस इनहेंस हो जाएगी और चेपरॉन जो है वो इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे, साथ ही साथ फर्दर नए प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि अब नॉर्मल प्रोटीन बन रहे हैं, पुराने वाले बेचारे अभी मेच्योर हुए नहीं थे तो नए बन जाते हैं, इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक दिया जाता है और प्रोटीन की डिग्रेडेशन को इनहेंस कर दिया जाता है ताकि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बने हुए हैं वो डिग्रेड हो जाए, और इसको हम कहते हैं अडैप्टिव रिस्पांस। और ये अडैप्टिव रिस्पांस जो है वो अच्छा होता है और राइबोसोम जो है वो स्ट्रेस से निकल आता है और सर्वाइव कर लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रोटीन नहीं बने। लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत सीवियर था तो बहुत ज्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनेंगे और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स फिर क्या करते हैं, एपोप्टोटिक पाथवे स्टार्ट कर देते हैं, ये BH3 को सिग्नल देते हैं। मैंने आपको एपोप्टोसिस में पढ़ाया, BH3 के स्पेस को एक्टिवेट करता है और यूं एपोप्टोसिस कर देता है और सेल बेचारा सारा इसकी वजह से क्या होगा, डेड हो जाएगा, एपोप्टोसिसाइज हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब ER के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, अगेन इसकी भी बुक के अंदर बड़ी अच्छी डायग्राम दी हुई है। लास्टली हम बात करते हैं कि अगर DNA डैमेज होगा तो फिर क्या मैकेनिज्म है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारा DNA डैमेज होता है तो उस डैमेज की वजह से प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन का जो नाम है वो है सेंटिनियल प्रोटीन्स। ये सेंटिनियल प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं जब भी DNA डैमेज हुआ। DNA क्यों डैमेज हुआ, रेडिएशन की वजह से, UV एक्सपोजर की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से, तो ये सेंटिनियल प्रोटीन जो है ये P53 जीन को एक्टिवेट करेंगी, ठीक है। अब ये P53 जीन दो काम करेगी, या तो ये जो G1 फेस है उसको रोक देगी और सेल की रिपेयरिंग करा देगी, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग करा देगी, DNA को रिपेयर करा देगी। लेकिन अगर DNA का जो डैमेज था वो बहुत सीवियर था तो फिर ये क्या करती है, ये P53 ट्रिगर कर देती है एपोप्टोसिस को और सेल को खत्म कर देती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि अगर DNA डैमेज है तो ये खतरा है कि ये म्यूटेशन करेगा और फिर आगे जाके कैंसर करेगा, तो इसको मर जाना चाहिए, उसके एपोप्टोसिस करा देंगे। यूं DNA डैमेज या तो रिपेयर होगा या उसकी सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। अब सोचो अगर P53 जीन ना हो तो ये जो म्यूटेशन हुई है, DNA डैमेज हुआ हुआ है, ये म्यूटेशन ना तो रिपेयर होगी ना खत्म होगी और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नियोप्लेजिया और कैंसर में। तो कैंसर की एक मोस्ट कॉमन टाइप ये भी है कि जिसमें आपके पास P53 में म्यूटेशन है या P53 एब्सेंट है। देन वो बात कर रहा है इन्फ्लेमेशन की, तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन में बहुत सारे वहां पे सेल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, और वो इंजरी को फर्दर वर्सन कर देंगे। इसके बाद बुक के अंदर रेपिटेशन है, सो मैं आपको वहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी। टॉक्सिन्स मैंने पढ़ा दिए, स्ट्रेस पढ़ा दिया, ये वाली बात भी हमने सारी कर ली। उसके बाद ये प्रोटीन इफेक्टेड प्रोटीन्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। देन हमने DNA डैमेज की भी बात कर ली। अब यहाँ पे ना ये रेपिटेशन है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन है तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया ATP नहीं बनेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेगी और क्या क्या डैमेज आएंगे। इसी तरह अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हो गई है तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो साइटोक्रोम सी रिलीज होगा, एपोप्टोसिस होगी, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन फटेगी तो एंजाइम रिलीज होंगे और वो डाइजेशन करेंगे। तो ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। और इसके बाद जो है अब मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्यूमुलेशन और कैल्सिफिकेशन की।